13 महीना 8 दिन तक आंदोलन चला और उसमें 750 संघर्षरत किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दिया। और जब 750 किसानों ने प्राणों की आहुति दिया उसके बाद दिल्ली के हुक्मरानों ने यानी कि नरेंद्र मोदी ने किसान संगठनों से कहा कि हमसे गलती हुई, आपसे हम समझौता करना चाहते और आपके सभी शर्तों को मैं मानता हूँ। और उन तमाम शर्तों को मानने के बाद लिखित जो समझौता हुआ उस समझौते के बाद किसान संगठनों ने कहा कि आपको लोकसभा के अंदर जहां आपने प्रस्ताव पारित किया था, कानून लाया था, उसी कानून में आप इसको जो है ना फिर पार्लियामेंट के अंदर बहस करके इसको वापस करो। पार्लियामेंट के अंदर भी बहस हुआ लेकिन जो शर्त था उस तीनों कानून के वापसी के साथ, वो तीनों कानून तो आप वापस लोगे लेकिन उसके अलावा भी था कि 750 किसान जिन्होंने अपने प्राण की बलि दिया उन किसानों को के परिवार को मुआवजा देना, लखनपुर खैरी जिसमें किसान मारे गए थे, पत्रकार भी उसमें मारे गए थे, उनके परिवार को मुआवजा, और जो अभियुक्त जो केंद्रीय मंत्री का बेटा जो था उसको एसपीडी ट्रायल चला करके उनके ऊपर जो है सजा गठन करना और मंत्री को बर्खास्त करने का मांग था, जो एमएसपी था उसको लागू करना था, आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है उसको वापस करने का सवाल था। तो इन सारे सवाल को लेकर के ये आंदोलन जो है वापस लिया था लिखित समझौता लेकिन आज तक उसको लागू नहीं किया। एसकेएम ने उसी को लागू करने के लिए गणतंत्र दिवस के दिन एक जो है संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया और कहा कि इसी दिन हम आंदोलन करके आह्वान करेंगे, आंदोलन करके हम जो है अपने आगाज को फिर से देंगे। और एसकेएम आज जिंद में ही लाखों ट्रैक्टर के साथ में रैली करके आज वहां को ऐलान करने वाले हैं। और मैं समझता हूं कि इस बार जो किसान आंदोलन एसकेएम जो ऐलान करेगा वो उससे भी बड़ा आंदोलन होगा और वो आंदोलन मोदी जी को दिल्ली के गद्दे से उतार करके ही रुकेगा। इसलिए इस ऐतिहासिक आंदोलन का एक हिस्सा आज समस्ती आज यहाँ एक पता ये जो मेमोरेंडम है राष्ट्रपति के नाम से वो कोई मौजूद होंगे उनके माध्यम से भेजा जाएगा। यही आज का कार्यक्रम है। इस अवसर पर हम तमाम किसान भाइयों को और जो ट्रैक्टर लेकर के किसान आज इस दिन गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा के दिन जो बिहार का एक बड़ा त्यौहार होता है उसके बीच में आकर के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम आंदोलन में हिस्सा लिया, मैं सबको बधाई देता हूँ और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। आज जो है पूरे देश के अंदर जो है एसकेएम के आह्वान पर जो दिल्ली के अंदर जो है के आधार पर 1.5 गुना दाम, ये सारा चीज जो है मिनिमम प्राइस राइस जो है उसको उपज पर लागू करने का, उन सारे चीज़ों को फिर आवश्यक वस्तु अधिनियम जो किसानों के लिए, उन तमाम चीज़ों को जोड़ करके जो लिया था कि हम इसको लागू करेंगे और उसी आधार पर किसानों ने आंदोलन को वापस लिया था, लिखित समझौता किया था लेकिन आज तक उसको लागू नहीं किया। एसकेएम बैठ करके फैसला किया कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस संविधान बचाओ दिवस के रूप में हम मनाएंगे, चूँकि ये संविधान के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया है। और उस दिन पूरे देश में ट्रैक्टर रैली करने का निर्णय लिया और आज ट्रैक्टर रैली पूरे देश में हो रहे हैं। हमारे अखिल भारतीय संयुक्त सचिव किसान सभा के अध्यक्ष जी हैं, समझे, इसमें नेतृत्व देने के लिए वहाँ आया है। किसानों ने 750 लोगों की कुर्बानी देकर के किसानों ने कुर्बानी दिया था और तब जाकर के कानून को वापस लिया और कहा कि हमसे बड़ी भूल हुई, किसानों को समझा नहीं पाए लेकिन जो उसके शर्त थे, जो समझौता हुआ था कि 750 किसान जो मारे गए उनको मुआवजा सरकार देगी। दूसरा जो है लखनपुर खैरी में जो अजय मिश्रा जो मंत्री का बेटा उसने जो रौन डाला था उस मृतक के परिवार को मुआवजा देने की बात और उसके ऊपर एसपीडी ट्रायल चला करके उसको जेल के अंदर और सजा देने का ऐलान किया था। इन तमाम उसके जो थे